रजनी के बार बार सवाल करने पर ध्रुव ने रजनी की तरफ देखकर कहा, तुम्हें सच जानना है ना, तो सुनो। और रजनी ध्रुव की तरफ देखने लगी। तारा ने जब देखा ध्रुव अब रजनी को सच बताने वाला है, तो तारा जल्दी से ध्रुव से बोली, रुको ध्रुव, तुम सोच समझ कर रहे हो ना ये जो भी कर रहे हो। देखो उसके बाद कुछ भी हो सकता है। और ध्रुव ने बड़ी शांति से तारा की तरफ देखते हुए कहा, यकीन करो तारा। और ध्रुव रजनी से बोला, हाँ तो मैं कह रहा था रजनी कि ये सच है कि हम कोई किताब नहीं लिखने वाले हैं। ध्रुव की ये बात सुनकर रजनी ऊंची आवाज में बोली, ये तो हमको पहले से पता है, आप तो वो बताइए जो हम नहीं जानते हैं और जो सच है। और ध्रुव ने बोलना शुरू किया, देखो रजनी ये सच है कि हम पाली उस दिव्य पेड़ की तलाश में ही आए थे, और ये सच है कि हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ उस दिव्य पेड़ के बारे में पता लगाना था, लेकिन ये सच नहीं है कि हम किसी तांत्रिक या किसी अघोरी के चेले हैं और उस पेड़ को नुकसान पहुंचाने आए हैं या पाली का कोई सुरक्षा कवच तोड़ने आए हैं, हमारा यकीन करो। जुल्मी ने जब ये सुना तो उसने धीरे से विक्की से कहा, ये क्या बोल रहा है, हम तो बंजारन के चक्कर में आए थे ना, बल्कि हम तो यहाँ किसी के चक्कर में आए ही नहीं थे, हम तो गलती से यहाँ पहुंच गए थे और बाद में बंजारन के पीछे पड़ गए, ये कौन सी कहानी सुना रहा है इसको, लगता है ध्रुव भूल गया है, हमको उसको याद दिलाना पड़ेगा। इतना कहकर जैसे ही जुल्मी ध्रुव को आवाज देने लगा कि तभी विक्की ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, चुप हो जा बेवकूफ, ध्रुव रजनी को घुमा रहा है और कुछ नहीं, मुझे तो लगा था कि कहीं सच में तो ये सच नहीं बताने वाला है, अब चुप करके खड़ा रहे। तारा और छलावा ने जब ये सुना कि ध्रुव उस दिव्य पेड़ पर फोकस कर रहा है, तो वो समझ गए कि ध्रुव रजनी को कुछ नहीं बताने वाला है, बल्कि वो उसकी जिज्ञासा शांत करने के लिए कोई अलग ही कहानी सुना रहा है। और वो लोग चुपचाप ध्रुव की तरफ देखने लगे। ध्रुव ने अपने दोस्तों की तरफ देखा और उसने पाया कि उसके दोस्त अब काफी सुकून में नजर आ रहे हैं। और ध्रुव हल्का सा मुस्कुराते हुए वापस रजनी से बोला, दरअसल हमने पाली के उस अद्भुत पेड़ के बारे में बहुत सुना था, और हमने ये भी सुना था कि इस पेड़ में बहुत से गुण हैं। इस पेड़ में सिर्फ भूत प्रेत से लड़ने की शक्ति ही नहीं है, बल्कि इस पेड़ के छाल पत्ते इनसे बड़े से बड़े रोग का इलाज भी किया जा सकता है। दरअसल हम सब साइंस के स्टूडेंट हैं। ध्रुव की इस बात पर रजनी मुंह बनाते हुए बोली, क्या है? और ध्रुव ने तुरंत जवाब दिया, साइंस स्टूडेंट मतलब विद्यार्थी, हम सब विज्ञान के विद्यार्थी हैं, और हम सबको खोज का एक विषय दिया गया था जिसमें हम सबको कुछ ऐसी चीजों की तलाश करने के लिए बोला गया था जिसमें मानव की भलाई हो, इसलिए हम उस दिव्य पेड़ पर रिसर्च करने के लिए आ गए। हालांकि हमने पूरे तरीके से झूठ नहीं बोला रजनी, हाँ अंतर बस इतना है कि भारत के गांव और उसकी सभ्यता पर किताब नहीं लिख रहे हम, लेकिन रिसर्च तो वाकई में कर रहे हैं। और सही बताऊं तो अगर उस पेड़ के बारे में हमने जो सोचा है और वो रिसर्च सफल हुआ, तो हो सकता है उस पेड़ से मानव के कल्याण के लिए बहुत सी दवाइयां बनाई जा सकती हैं। इसलिए हम उस पेड़ की गतिविधि पर नजर रख रहे थे कि उस पेड़ में कैसे कैसे बदलाव होते हैं, और इसीलिए हमें पाली में रुकने की भी जरूरत आन पड़ी, ताकि हम समझ सकें कि कौन से मौसम में कैसी हवा बरसात में वो पेड़ कैसे परिवर्तित होता है। ध्रुव की बात सुनकर रजनी ने शक भरी नजरों से उसे देखते हुए पूछा, तो ये बात आप लोग गांव में क्यों नहीं बताए, झूठ क्यों बोले आप लोग कि आप लोग किताब लिखने आए हैं? और ध्रुव अफसोस भरी आवाज में बोला, क्योंकि हम जानते थे कि अगर हम सच बताएंगे तो कोई हमें उस पेड़ के आसपास नहीं भटकने देगा, हमें आसपास के इलाकों में पता चला था कि पाली वाले उस दिव्य पेड़ के बारे में किसी से जल्दी बात नहीं करते, ना उसके आसपास किसी बाहरी इंसान को जाने देते हैं, तो हमारा तो इस इलाके से भी कोई संबंध नहीं है, तो हम पर कैसे यकीन कर पाते पाली वाले, हमें क्यों उस पेड़ के आसपास जाने देंगे, खासकर ये जानकर कि हम उस पर रिसर्च करने आए हैं। हो सकता था ये सोचते कि कहीं हम उस पेड़ को कोई नुकसान ना पहुंचाए, जैसे कि तुमने भी सोचा कि हम उस पेड़ को नुकसान पहुंचाने आए हैं, क्या पता कोई हमारी बात पर यकीन करता भी या नहीं करता। लेकिन रजनी को अब भी इन लोगों की बात पर यकीन नहीं आ रहा था, और उसने कहा, हम कैसे माने कि तुम लोग सच कह रहे हो और वाकई में विदेश से आए हो और उस पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हो। और रजनी की बात पर ध्रुव ने विक्की की तरफ देखते हुए कहा, विक्की अब एक ही उपाय है, हमें रजनी को हमारी रिसर्च की वो चीज दिखानी होगी जिससे रजनी को यकीन हो जाएगा कि हम सच कह रहे हैं।
और हम अलग अलग पेड़ पौधों पर रिसर्च करते हैं दवाइयां बनाने के लिए। ये बात विकी के समझ में नहीं आई और उसने ध्रुव को अपनी तरफ खींचते हुए धीरे से कहा, कौन सा यंत्र, कौन रिसर्च, क्या कह रहा है? और ध्रुव ने विकी के जेब से उसका मोबाइल निकालते हुए कहा, ये देखो रजनी, इस यंत्र में अलग अलग पेड़ पौधों की तस्वीर है, उन पेड़ पौधों की जो हम देखते हैं और जो हमारे काम की है। मैं अभी तुम्हें दिखाता हूँ। इतना कहकर ध्रुव ने जल्दी जल्दी विकी की गैलरी में जाकर कुछ तस्वीरें निकाली और कुछ अलग अलग तरीके के फूल, पौधे, पत्ते रजनी को दिखाने लगा। और रजनी उन्हें देखकर हैरान रह गई और हैरानी से बोली, ये क्या चीज है और इसमें ये सारा फोटो कैसे जमा हो गया? और ध्रुव उस मोबाइल को रजनी के हाथ से लेकर वापस विकी को देता हुआ रजनी से बोला, ये हमें दिया गया है उन पेड़ पौधों की फोटो खींच कर लाने के लिए जो हमारे काम का है, जिनसे दवाई बन सकती है। देखा तुमने, अब तो तुम्हें यकीन हो गया कि हम पेड़ पौधे, पत्ते, फूल खोजने वाले खोजी हैं जिनसे दवाइयां बनाई जा सकती हैं। और बस इसलिए हम उस दिव्य पेड़ की तलाश में आए थे, और कोई बात नहीं है। और हमें कुछ दिन रहकर उस पेड़ पर नजर रखनी होगी कि वो कब फूल देता है, कब फल देता है, उनसे क्या हो सकता है। अब तो रजनी को ध्रुव की बात पर यकीन हो चला था और वो तसल्ली से बोली, अच्छा तो इसलिए तुम लोग उस पेड़ पर नजर रख रहे थे, अब समझे। लेकिन वो पेड़ फल फूल कुछ नहीं देता, हम सालों से देख रहे हैं, वो पेड़ जैसे का तैसा ही खड़ा रहता है। और हमें माफ करना, हम इतना गलत सोचे आप सबके बारे में। वो क्या है ना, हम आज तक पाली के बाहर भी नहीं गए, तो विदेश तो सुने हैं बहुत दूर है, उतना दूर का सोच पाना थोड़ा मुश्किल था हमारे लिए। रजनी की बाकी बात अनसुना करता हुआ ध्रुव सिर्फ पेड़ की बात पर हैरानी से रजनी की तरफ देखने लगा, क्योंकि अभी अभी तो उन लोगों ने उस पेड़ के फूल को देखा था। फिर रजनी ऐसे कैसे कह रही थी कि उस पर फूल नहीं लगता, फल नहीं लगता। खैर जो भी था, इस वक्त रजनी के सामने कुछ डिस्कशन करना जरूरी नहीं था। और ध्रुव ने रजनी की तरफ देखते हुए कहा, रजनी हमारे बारे में इतना गलत सोचने से पहले हमसे एक बार बात तो करती। और रजनी शर्मिंदगी से बोली, माफी मांग तो रहे हैं ना, और माफ करना, तुम लोग भी तो सच नहीं बताए थे, इसलिए हमको लगा कि क्या पता तुम हमारे गांव का बुरा तो नहीं चाहते हो। लेकिन तुम लोग फिक्र नहीं करो, हम किसी को तुम लोगों के बारे में कुछ नहीं बताएंगे, और हम भी तुम लोगों का साथ देंगे। और ध्रुव मुस्कुराते हुए बोला, थैंक यू रजनी। और रजनी उन सबको देखकर हंसती हुई दरवाजे से बाहर निकलकर भाग गई। और रजनी के जाते ही सबने अपने अपने सिर पर हाथ रखा और राहत की सांस लेते हुए एक साथ बोले, हाँ बच गए। और जुल्मी रजनी का मजाक उड़ाते हुए बोला, इस लड़की की हरकत हमको बार बार यकीन दिला ही देता है कि यह सजनी की ही खानदान वाली है। उस सजनी को भी बेवकूफ बनाना आसान था, इस रजनी को भी बेवकूफ बनाना आसान है, इनका पूरा खानदान ही ऐसा है। और जुल्मी की इस बात पर ध्रुव गुस्से से घूरते हुए बोला, रजनी तो नहीं, लेकिन सजनी सच में बेवकूफ है। इसलिए नहीं कि उसे कोई भी कहानी सुना दो उस पर यकीन कर लेती है, बल्कि इसलिए कि तुम जैसे गधे को पसंद करती है। और ये अपने आप में सबसे बड़ी बेवकूफी है, क्योंकि उसे कोई भी अच्छा लड़का मिल सकता है। और ध्रुव की बात सुनकर जुल्मी उसे घूरता हुआ चुप रह गया। ध्रुव को इस तरह जुल्मी से बहस करता देख तारा ने उसे रोकते हुए कहा, ध्रुव क्या तुम भी आर्गुमेंट करने में लग गए हो, रजनी चली गई, अब हमें बताओगे कि आखिर तुमने बंजारिन की झोपड़ी में क्या क्या देखा और उस आदमी की झोपड़ी में क्या क्या देखा? क्या हम सही रास्ते पर हैं और हमारे काम की कोई चीज है? तारा की बात पर विकी ने भी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ भाई प्लीज अब जल्दी बता, अब और वेट नहीं कर सकते हम। और ध्रुव तारा और विकी की तरफ देखता हुआ बोला, वो फूल बंजारन के काम का है, बंजारन शायद उस फूल की तलाश में ही रहती है, और मैंने जो बताया उसकी तीसरी साथी जो कि एक मधुमक्खी है, वो उस फूल के गुण लाती है बंजारन के लिए, और वो कोई नॉर्मल मधुमक्खी नहीं है, जैसा कि मैंने तुम लोगों को पहले भी कहा है, कुछ अलग है। ऐसा लगता ही नहीं है कि वो इस धरती की मधुमक्खी है, उसका आकार, उसकी सारी चीजें बहुत अलग है। ध्रुव की बात सुनकर तारा हैरानी से बोली, फूल के गुण का क्या मतलब है और फूल का बंजारन को क्या काम? क्योंकि देखो इतना तो तय है कि वो पाली में है अपने श्राप पे तोड़ के लिए, और उसकी सारी चीजें उसके श्राप की वजह से ही हो रही हैं। ध्रुव ने कुछ सोचते हुए कहा, पता नहीं, ये तो नहीं जानता मैं कि वो आखिर कौन से गुण की बात कर रही थी, लेकिन वो मधुमक्खी अभी गई नहीं उस पेड़ के पास। उस आदमी ने कहा था कि वो बहुत कमजोर है
और इससे पहले भी वो कई बार उस फूल का गुण ला चुकी है और उस पेड़ की दिव्य ऊर्जाओं को सहन करने की शक्ति अब उसमें नहीं है। तो वो पहले अपनी शक्ति बढ़ा रही है, उसके बाद ही जाएगी उस फूल का गुण लाने। ध्रुव की बात पर विक्की हकलाता हुआ बोला, तो कहना चाहता है कि हमें अब उस मधुमक्खी का पीछा करना पड़ेगा। यार क्या हम यहाँ पकड़म पकड़ाई खेलने के लिए हैं? जब देखो हम किसी न किसी का पीछा ही कर रहे हैं, छुपते छुपाते जासूसी कर रहे हैं। आखिर कब तक ऐसा चलेगा? हम कभी वापस भी जाएंगे या नहीं? मैं तो कहता हूं कि चलो उस आदमी को पकड़ते हैं और जबरदस्ती उससे सब उगलवा लेते हैं। और विक्की की बात पर छलावा ने उसे शांत करते हुए कहा, शांत हो जाओ विक्की, इस तरह गुस्से में काम नहीं चलेगा, ये बेवकूफी होगी। तुम्हें क्या लगता है, हम उससे सच उगलवा सकते हैं और वो बोल देगा? तुम उसे इतना कमजोर समझते हो? और दूसरी बात, उसके बाद क्या हमें नहीं बताना पड़ेगा कि हम कौन हैं, क्यों आए हैं? और तुम्हें लगता है उसके बाद हमारी मुश्किल आसान होंगी? भूलो मत कि वो बंजारन बेशक इंसानी शरीर में है, लेकिन वो अभी भी बहुत शक्तिशाली है। श्राप की वजह से वो थोड़ी कमजोर जरूर है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, हमारा सच जानने के बाद। क्योंकि हम जिस जंग में उतरे हैं ना, उसमें हम निहत्थे हैं, तो वार करने से बेहतर है बचाव करो और आगे बढ़ो। ध्रुव ने भी छलावा की बात में सहमति जताते हुए कहा, हाँ विक्की, छलावा बिल्कुल सही कह रहा है, और हम हमारी मंजिल के बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं। हमें इतना तो पता चल गया है कि उस बंजारन का मकसद फूल के गुण से पूरा होने वाला है, और फूल का गुण जो लेकर उसके लिए आने वाला है, हम उसके बारे में भी जानते हैं। तो बस अब हमें इंतजार करना है उनका, ताकि हम ये देख सके वो गुण है क्या। तारा चुपचाप इन लोगों की बहस को सुन रही थी। उसने बहुत शांति से कहा, उसे वो फूल चाहिए, बंजारन के काम की चीज वो फूल है, और उस फूल का गुण उसे चाहिए, और उसके लिए उसने एक मधुमक्खी को चुना है। क्या तुम लोगों को समझ में आ रहा है फूल का गुण क्या होता है? उसका रस, और जो रस मधुमक्खी लेकर जाती है उससे क्या बनता है? शहद। शहद का नाम सुनकर सब हैरान रह गए, और ध्रुव ने सोचते हुए पूछा, तो इसका मतलब चमकते हुए फूल के रस से बना शहद उस बंजारन को चाहिए? मतलब वो शहद है वो हल जो उसके श्राप से मुक्ति दिलाने में सहायक होगा? और ध्रुव के सवाल पर तारा बड़े आराम से बोली, हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि उस पेड़ का चमत्कार तुम खुद देख चुके हो, वो कोई साधारण पेड़ तो है नहीं। तो जाहिर सी बात है, उस पेड़ की हर एक चीज अलग और नायाब होगी, और उससे कुछ भी हो सकता है। और अगर इस पूरे पाली में अगर वो मात्र उस पेड़ के पास ही जाती है, उसके उस फूल का ही रस चाहती है, तो जाहिर सी बात है यही है उसके श्राप का तोड़। तारा के इतना कहते ही ध्रुव, विक्की, जुल्मी, छलावा सबकी आंखों में खुशी दिखने लगी, और ध्रुव लगभग खुश होता हुआ बोला, इसका मतलब हमने ढूंढ लिया समस्या का समाधान। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि हम इतनी जल्दी सक्सेसफुल हो जाएंगे। और ध्रुव की खुशी पर तारा बोली, अभी खुश होने की बारी नहीं आई है ध्रुव, हम सिर्फ एक अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि उस शहद का यूज वो कैसे करेगी, क्योंकि उसके श्राप का तोड़ मात्र शहद नहीं है, उस शहद से होने वाली कोई चीज या कोई क्रिया है। हमें ये तो जानना ही पड़ेगा कि शहद का इस्तेमाल कैसे करते हैं। और तारा की बात पर ध्रुव लापरवाही से बोला, तारा अगर हम यहां तक पहुंच गए हैं तो वो शहद कैसे इस्तेमाल करेगी ये कौन सी बड़ी बात है, हम उसे भी ढूंढ लेंगे। बस अब ज्यादा दिन की बात नहीं है, बस एक बार वो अजीब सी मधुमक्खी उस फूल का गुण ले आए